आज के वीडियो में हम बनाएंगे वेज फ्राई राइस। ये बहुत ही झटपट बन जाते हैं और बहुत ही डिलीशियस लगते हैं, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। तो यहाँ लिया है मैंने एक वॉक। हम गैस को ऑन कर लेंगे और वॉक को अच्छे से हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। वॉक हमारा अच्छे से गरम हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। तो ध्यान रखें, ऑयल को आपको अच्छे से स्प्रेड करके डालना है और ऑयल को भी हम हाई फ्लेम पे गरम कर लेंगे। ऑयल हमारा यहाँ अच्छे से गरम हो चुका है और अब इसमें हम डालेंगे एक मीडियम साइज का प्याज, ऑनियन जो कि मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, और ऑनियन को जो है, प्याज को जो है, हम थोड़ा सा भून लेंगे। और अब इसके साथ में डाल दूंगी 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक जो कि मैंने फाइनली चॉप कर लिया था, और इन सबको हम अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लेंगे ताकि इनका जो कच्चा फ्लेवर है वो निकल जाए और प्याज जो है वो थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। और अब इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स जो कि मैंने स्लाइसेस में चॉप कर ली है। तो पहले हम डालेंगे गाजर और 1 से 2 ग्रीन चिली स्लाइसली चॉप की हुई, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप बीन्स। तो आप जो है इसमें अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। और इन सबको हम हाई फ्लेम पे थोड़ा सा कुक करेंगे। तो फ्रेंड्स ध्यान रखें, हमें हाई फ्लेम पे इसे कुक करना है, बिल्कुल हमें इसे 100% कुक नहीं करना है। जब वो एक अच्छा सा बाइट होता है वेजिटेबल तो काफ़ी अच्छा लगता है वो फ्राई राइस में। और अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे कैबेज और शिमला मिर्च जो कि मैंने स्लाइसली चॉप कर ली है, और इन सबको भी हम कुछ सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे। तो यहाँ वेजेस जो है वो 80% तक कुक हो चुकी है और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस। सॉसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे वेजेस में और इसे अब हम 1 से 2 सेकेंड्स के लिए कुक करेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सोया सॉस और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टेबलस्पून विनेगर। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, तो नमक जो है वो आपको थोड़ा सा यूज करना है क्योंकि हमने इसमें सॉसेस डाले हैं तो सॉसेस में भी काफी नमक होता है। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप बॉइल्ड राइस। मैंने यहाँ बासमती राइस का यूज़ किया है और इसे मैंने अच्छे से 80% तक बॉईल कर लिया था और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन वाला पार्ट और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हाई फ्लेम पे हम राइस को जो है वो टॉस करेंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें अच्छे से एक स्मोकी फ्लेवर आ जाए। अगर आपके पास वोक नहीं है तो आप नॉर्मल कढ़ाई में भी इसे बना सकते हो,
लेकिन चाइनीज का जो फ्लेवर अच्छे से आता है वो वोक में ही आता है। तो मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आपके पास वोक है तो आप चाइनीज जो है वो वोक में ही बनाइए, उसमें काफी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ इसके साथ ही रेडी है हमारे वेजिटेबल्स फ्राइड राइस, ये बहुत ही डिलीशियस लगते हैं और अभी आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत पसंद आएंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर इनेबल कीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी मैं आपके लिए बहुत सी अमेजिंग सी रेसिपीज़ में लेके आया करती हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक तो ज़रूर बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।